प्यारी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ठीक हूँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों ये हमारे इधर दो तीन दिन से अच्छी धूप निकल रही है, बारिश अभी बंद है, तो मैं अपने प्लांट्स का काम कर ले रही हूँ। तो सुबह के वक्त कर लो, थोड़े ठंडे में तो सही रहता है। धूप बहुत तेज़ दिख रही है, पर इतनी धूप थी नहीं, और मैं छत पे आ जाती हूँ तो दो घंटे तो फिर पता ही नहीं चलते हैं, और फिर नीचे मेरे काम में लेट हो जाता है। और ये मैं दिखा रही हूँ अजवाइन प्लांट, ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ये मेरा आजमाया हुआ है, मेरे बेटे के पेट दर्द में मैंने उसे एक बार दी थी तो उसे फ़ायदा हो गया था। ये प्लांट बहुत ईजी कटिंग से लग जाता है, और ये मेरे पास दो तरह का है, थोड़ा ये गोल पत्ती वाला है और एक ये कंगूरे दिख रहे हैं, कंगूरे टाइप का। मेरे पास और भी हर्बल प्लांट्स हैं, ये मरवा तुलसी है, मरवा तुलसी भी आयुर्वेदिक है। धीरे धीरे करते मेरे पास एक दो दो चार चार प्लांट करते करते काफ़ी हो गए, और अभी तो गर्मियों से पहले तो काफ़ी कम से कम 10 गमले खाली कर दी थी, पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। और ये देखिए ये मिर्ची में देखो जड़ें कितनी दिख रही हैं, तो ये चीज़ का साइन है कि ये कटिंग से लग जाते हैं। और ये मिर्ची के प्लांट मेरे 3 साल से हैं, और मिर्ची प्लांट को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। और बारिश के दिनों में तो आप देखो जिस पेड़ पे मतलब टहनियों में जड़ें नज़र आएँ उसे कटिंग से काट के लगा लो। और ये चमेली का है, तो चमेली का भी मैंने इसी तरह से लगाई थी कि डालों में दिख रही थी जड़ें, तो मैंने काट के लगा दिया था। ये फिर हम किचन में आ गए, तो हम करेले बना रहे हैं, और करेलों के लिए मसाला है अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर, और प्याज जीरे से हम बघार करेंगे, और थोड़े से मूँगफली के दाने भी डाल कर बनाएंगे, इससे बहुत अच्छा पेस्ट आता है मूँगफली के दानों से डालने से। बस ये कि हाँ इससे तेल ज़्यादा आ जाता है, जो कि तेल तो खैर हमें डेली ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो ये मसाला पीस लिए थे हमने, करेलों में नमक लगा कर 1-1.5 घंटा छोड़ दिए थे, फिर से धो दी। और पहले हम तेल डालकर करेलों से तल लेंगे, मतलब आधा आधा वो कच्चा रहेगा आधा पक जाएगा, नरम हो जाएंगे करेले, अगर हम तेल से निकाल लेंगे और फिर मसाला भून लेंगे और एक सीटी लगा लेंगे तो बहुत अच्छा मज़े का करेला बनता है। हमारे यहाँ करेला सभी को पसंद है, बच्चे सब खाते हैं, मसाले की बनाओ या हरी मिर्ची प्याज से बनाते हैं सादे बारी बारी काट कर। जीरा और प्याज डाल देंगे गरम तेल में, और फिर पिसा हुआ जो मसाला है पूरा उसे डाल देंगे, और 20-25 मिनट भूनना है, अदरक लहसुन का मसाला अच्छा भुना जाएगा, फिर इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह ठीक से भूनना होता है, टाइम लग जाता है, लेकिन सालन अच्छा बनता है। ये 11:30 बज चुका था, बच्चे तैयार होने लगते हैं 11:30 बजे। किट्टू के बाल बना रही हूँ, उसको आती नहीं 2 चोटियाँ, उसको रोज करके देना होता है। किसान तैयार हो गए, गेट लगा देना।
बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ, बर्तन वगैरह कपड़े काफ़ी करता है मैंने। और दोपहर में फिर नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। और चाची वगैरह भी आ जाती हैं हमारी साइड से, मतलब कोई ना कोई आता रहता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा मेरा दिन बिजी रहता है, टाइम निकल जाता है। और दोपहर वो सुबह के टाइम 10 बजे के करीब पानी आ गया था, तो छत में पानी भी भरा जाता है, थोड़ा ढलान है छत पे, तो कपड़े वगैरह डाल के मैंने फिर वो छत से पानी भी निकाली, थोड़ा जमा हो जाता है। बस यही काम रहते हैं मेरे डेली के। और आने जाने वालों को तो मैं दिखा नहीं सकती वीडियो में, इसलिए अपने रोज़मर्रा की रूटीन दिखाती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।